ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज वैशाख पूर्णिमा है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने नौवें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। आज के दिन को बहुत ही विशेष माना जाता है। कहते हैं वैशाख पूर्णिमा सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। आज के दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही फलदायी माना जाता है और आज के दिन व्रत करके पूर्णिमा की व्रत कथा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सबके जीवन में खुशहाली आती है और गरीबी का संकट दूर होता है। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। ओम गणपतये नमः। किसी नगर में एक राजा रानी हुआ करते थे। उनके दो पुत्रियां थी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। वे बहुत ही धनवान थे। उनकी एक पुत्री अमावस्या बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास करती थी और साधारण जीवन व्यतीत करती थी। इसके विपरीत अमावस्या घर का कोई काम नहीं करती थी। राजा रानी के दो पुत्र भी थे। राजा रानी ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर लिया। उसके पश्चात रानी ने कहा कि महाराज, अपनी पुत्रियां भी विवाह लायक हो गई हैं, कृपया करके इनकी भी शादी कर दीजिए। महाराज जो कि अमावस्या को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो उन्हीं के हिसाब से बहुत ही अच्छे ढंग से रहती थी, पैसे का बहुत घमंड था उसको। इसके विपरीत पूर्णिमा को अपने धन संपत्ति का कोई घमंड नहीं था। वह घर के सारे कार्य करती थी और पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। इसे देखकर राजा रानी उससे प्रेम भी नहीं करते थे। और जब राजा दोनों लड़कियों के लिए रिश्ता देखने लगे तो रानी ने कहा, इसके लिए तो कोई गरीब घर ही देखना, क्योंकि ये दिन भर काम करती है और दासियों वाले काम कर करके यह किसी महल में जाके नहीं रह पाएगी, हमारी नाक कटवा देगी, क्योंकि इसे तो दासियों की तरह काम करने की आदत है। राजा ने ऐसा ही किया। अमावस्या के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा राजमहल देखा और उसकी शादी करा दी। परंतु पूर्णिमा को एक गरीब घर में शादी कराई। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहन अपनी ससुराल चली गई। उधर अमावस्या बहुत ही धनवान परिवार में थी। इधर पूर्णिमा बहुत गरीब घर में थी, परंतु वह पूजा पाठ करती और भगवान में बहुत आस्था रखती थी। पूर्णिमा का व्रत करती थी और भगवान श्री हरि की पूजा किया करती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव कथा कराई और पूरे गांव वालों को बुलाया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब सभी गांव की औरतें शिव कथा का श्रवण करने अमावस्या के घर जा रही थी तो उन्होंने पूर्णिमा को कहा, बहन चल, तुम्हारी बहन ने शिव कथा का आयोजन रखा है, तुम नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है, नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है तो मैं कैसे जाऊँ? सभी गांव की औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, ये तो भगवान शिव की कथा है, इसमें तुम्हें बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए। ऐसा कहने पर, क्योंकि पूर्णिमा बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखती थी भगवान में, तो वह उनके साथ चली गई शिव कथा का श्रवण करने के लिए। जब वहाँ गई तो जैसे ही अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा को देखा, वो उसके पास आई और बोली, क्यों री, तू क्यों आई है यहाँ पर, तुझे तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था। इस पर पूर्णिमा कहती है, बहन, मैं तो शिव कथा का श्रवण करने आई हूँ। तो अमावस्या कहती है, उसकी गरीबी का मजाक बनाते हुए, चल कोई नहीं, नहीं बुलाया फिर भी आ गई तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ के यहाँ पे कथा सुनना। वह कथा सुनती सुनती उसकी आंखों में आंसू आने लगे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे साथ यह व्यवहार हो रहा है? ना ही मेरे माँ बाप मेरे से अच्छे से बातें करते हैं, ना प्रेम करते हैं, ना ही मेरी बहन। क्या पूजा पाठ करना गलत है? क्या मैं आप में विश्वास रखती हूँ, ये गलत है? क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है?
इस तरह से सोचते सोचते और कथा का श्रवण करते हुए कथा का समापन हुआ। कथा समाप्त होने के बाद अमावस्या ने सबको शिव कथा का प्रसाद वितरण किया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं दिया। जब उसे प्रसाद नहीं मिला तो वह रास्ते में सोचती हुई कहने सोचने लगी कि मैं घर जाके अपने पुत्रों को क्या दूंगी, वो तो इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी माँ शिव कथा से प्रसाद लेकर आएगी। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ। और उसके भाई भाभी थे, वो उसे बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वह वहाँ थी तो उनके घर में काम का हाथ भी बटा लिया करती थी। इसीलिए उसके एक भाई भाभी उससे बहुत प्रेम करते थे। वह अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिलती है, जो कि साक्षात तुलसी माँ का रूप थी। वह एक चबूतरे पर बैठी थी। तो फिर उस माई ने कहा, बिटिया कहाँ चली और कौन है तू? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा एक काम कर, मेरा चबूतरा बड़ा गंदा हुआ पड़ा है और देख ये तुलसी का पौधा भी सूख रहा है, जरा इसमें पानी डाल दे और यहाँ की सफाई कर दे। पूर्णिमा ने चबूतरे की सफाई कर दी, तुलसाजी में पानी डाल दिया और बुढ़िया माई को भी नहला दिया। जैसे ही जाने लगी, बुढ़िया माई कहती है, बेटा लौटते वक्त मेरे से मिलती जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। आगे चलकर उसे एक शिव मंदिर दिखा। वहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उस बाबा ने कहा, बेटा कौन हो, कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने उसे भी अपना परिचय दिया। बाबा कहते हैं, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अभी साफ सफाई करने में असमर्थ हूँ, तुम मेरे मंदिर की सफाई कर दोगी? पूर्णिमा ने कहा, जी बाबा मैं अभी करती हूँ। वह पूरे मंदिर की साफ सफाई करती है और उस बाबा को भी नहला देती है। तो जाते वक्त बाबा ने कहा, बिटिया लौटते वक्त मेरे से मिलते जाना। आगे चलती है तो एक काली माँ का मंदिर था। वहाँ पर भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। उस बुढ़िया माई ने भी ऐसा ही कहा तो उसने उसके काली मंदिर की भी बहुत साफ सफाई की और उस बुढ़िया माई को भी नहला दिया। आगे जाती है, नदी किनारे एक बूढ़ी माँ बैठी थी और कहती है, हे बेटा यहाँ नदी में नहाने तो बहुत लोग आते हैं पर यहाँ की सफाई नहीं करते। ये देख किनारे पर कितनी गंदगी पड़ी है, अगर तू इसको साफ कर देगी तो तेरा भला होगा। पूर्णिमा कहती है, क्यों नहीं माई, मैं अभी कर देती हूँ। वह उस नदी किनारे पूरी साफ सफाई कर देती है। सफाई करने के बाद कहती है, माई अब मैं चलूँ, मुझे मायके जाना है। माई ने भी यही कहा, जो कि साक्षात गंगा मैया का रूप थी। उसने कहा, जा बेटा लौटते वक्त मिलते जाना। और नदी पार करते हुए नाव में बैठकर वह अपने मायके चली जाती है। वहाँ उसके भाई भाभी उसे देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। और जब शाम को वह लौटने लगी तो कहती है, उसकी भाभी कहती है, रुको दीदी मैं आपके लिए कुछ देती हूँ, बच्चों को कुछ उपहार और कुछ खाने की चीज़ें। तू बड़े दिन बाद आई है, बच्चों को लेकर आती तो और अच्छा होता। इस तरह से कहते हुए उसके हाथ में एक थैला थमा देती है। वह पूर्णिमा उस थैले को लेकर अपने घर के लिए लौट जाती है। रास्ते में नदी पार करते ही नदी के किनारे आती है तो देखती है वही बुढ़िया माई, जो कि साक्षात गंगा माँ का रूप था, वो उसे एक थैला देती है और कहती है, बेटा इसे घर जाकर खोलना। उसने कहा, ठीक है माई। आगे जाके उसे काली माता का मंदिर मिलता है। वहाँ पर उसे वही बुढ़िया माई मिलती है, जो कि साक्षात काली का रूप थी, और वह भी उसे एक थैला देती है और यही वचन कहती है कि इसे घर जाकर खोलना। आगे चलकर उसे शिव मंदिर मिलता है। शिव मंदिर में बूढ़े बाबा थे, वो साक्षात शिव का रूप थे। वह भी उसे एक थैला पकड़ा देते हैं। आगे चलकर उसे तुलसी माँ मिलती है तो वो भी उसे एक थैला दे देती हैं और ऐसे ही कहती हैं कि इसे घर जाकर खोलना। जैसे ही पूर्णिमा घर गई, सबसे पहले वह अपने मायके का थैला खोलती है तो देखती है उसमें बच्चों के खाने पीने की कपड़े बहुत सारी चीज़ें थी। वह देख के खुश हो जाती है। फिर वह गंगा मैया का दिया हुआ थैला खोलती है
तो देखती है उसमें इतने सारे हीरे जवाहरात, पूरा उसका घर भर गया। फिर वह खोलती है काली माता का थैला, उसमें भी उसको बहुत सारी धन संपत्ति मिली। आगे जाके वह तीसरा जो चौथा थैला होता है भोलेनाथ का, वह खोलती है, उसमें अन्न धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से माँ तुलसा जी का थैला खोलती है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। थैले छोटे छोटे थे लेकिन धन धान से उसका पूरा घर भर गया था, अनाज की कोई कमी नहीं रही। फिर उसके बाद, क्योंकि उसको पता था ये सब बाबा भोलेनाथ ने दिया है और उसके पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव के कारणों से मिला है, तो उसने अपने घर में भगवान शिव की कथा कराई। कथा में उसने पूरे गांव के साथ अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। जैसे ही अमावस्या ने देखा कि उसके घर में बहुत सारी धन संपत्ति आ गई है, तो उसने कहा, अरे बहन, ये तेरे घर में कैसे हुआ, तू बड़ी गरीब थी। पूर्णिमा कहती है, बहन तूने अपने घर मुझे कथा में बुलाया नहीं, फिर भी मैं चली आई। वहाँ से लौटते वक्त मैं मायके गई और उसने सारी व्यथा रास्ते में जो उसके साथ हुआ वह सुना दी। वह भी पूर्णिमा की तरह नकल करने लगी, मायके जाने लगी। उसे भी रास्ते में तुलसी माँ, भोले बाबा, काली माँ, गंगा मैया सब मिले, परंतु उसने किसी की मदद नहीं की और कहने लगी, नहीं मेरी बहुत महंगी साड़ी है, मैं गंदी हो जाऊंगी। इस तरह से कहते हुए चली गई। लौटते वक्त जब मायके से आई तो कहने लगी, मुझे कुछ दोगे नहीं। तो फिर उस माई ने कहा, गंगा मैया ने कहा उसे, क्यों, तुझे हमने सफाई के लिए बोला, तूने सफाई की। इसी तरह से आगे काली माता के पास आई, फिर भोले बाबा के पास और अंत में माँ तुलसा जी के पास आई, परंतु उसे किसी से कुछ भी नहीं मिला। और वह घर आके अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाकर रोने लगी और उससे क्षमा याचना करने लगी कि बहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था और फिर भी तुझे भगवान ने कितनी सुख संपत्ति दे दी, और मैं अपने पैसे पे बहुत घमंड किया करती थी, तो आज देख मुझे कुछ भी नहीं मिला। और धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति नष्ट होने लगी थी। इस तरह से जो भी भक्तगण पूर्णिमा का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु उसके जीवन में खुशियाँ ला देते हैं। कहते हैं पूर्णिमा का व्रत करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस तरह से पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, उसकी कितनी भी गरीबी थी परंतु उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप उसके घर में अन्न धन सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। तो इस तरह से आज के दिन पूर्णिमा के व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जैसे उन्होंने पूर्णिमा के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भरी, उसी तरह से जो भी भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब के घर में धन धान सुख समृद्धि के भंडार भरे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पूर्णिमा के दिन आज भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, तो एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार रानी माया देवी एक पूर्णिमा की रात को लुम्बिनी के जंगल में फूलों की सैया पर सो रही थी। तभी आकाश से तीव्र गति में रोशनी उनके पेट पर पड़ी, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उनके गर्भ से वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और आकाश में मधुर संगीत बजने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ इनका नाम पड़ा, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। एक सुखी जीवन जी रहे थे। 29 वर्ष की आयु में उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ और वे संसार त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और 49 वर्ष की आयु में उसी नगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस तरह से भगवान बुद्ध का आज जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज के दिन
भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के नवे अवतार कहा जाते हैं। तो इस तरह से सभी भक्तगण श्रोतागणों ने मेरी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये कथाएँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।